माधवदास बाबा की जीवन में कथा आती है, बाबा का मन किया जगन्नाथपुरी से हम वृंदावन जाएंगे दर्शन करने, और जैसे वृंदावन को नाम आयो तो जगन्नाथ भगवान को भी लालच आ गयो कि हमारो भी बड़ो मन कर रहे हो ब्रज जाएं, वृंदावन जाएं। तो माधवदास बाबा को बोले कि बाबा मोकु संग ले चल देंगे। जगन्नाथ भगवान बोले ना ले जाएगा मोकु, बाबा बोले ना प्रभु आपको माफ करो, हम ये आपकी आज्ञा नहीं मान सकते। कह के जगन्नाथ भगवान चल माधवदास जी चल पड़े। जैसे मंदिर से निकले, जैसे कोई छोटो बच्चा नहीं रोवे जब घर से कहे कि मैं संग जाऊँ माँ बाप ना ले जाएं, तो जैसे बच्चा रोवे वैसे ठाकुर जी उदास। कोई ब्रज जा रहे हो मेरे और मैं नहीं जा पा रहे हो, वैसे तो सदा ब्रज में, पर एक लीला है उनकी, मैं ब्रज नहीं जा पा रहे हो, सो बड़े उदास है गए। आज जगन्नाथ भगवान का चेहरा उतर गया, माधवदास जी चल पड़े। पर ये ठहरे पक्के ब्रज के नटखट ब्रजवासी ठाकुर, ऐसे कैसे जान देते बाबा को। बाबा चले, बाबा बड़े खुश कि चलो हम निबट आए इनते इनके जिद ते, अब अकेले आ गए, अब हम सीधे सीधे फटाफट भागे जाएंगे और तुरंत वृंदावन पहुंचेंगे और ठाकुर जी को दर्शन करेंगे। पर जैसे ही बाबा निकरे जगन्नाथपुरी से, निकरते ही बाबा को लगी भूख। बाबा को लगी भूख तो एक जगह गाई के गृहस्थी के घर में रुके, बाबा बोल मैया भोजन दे, मैया ने भोजन बना दियो। भोजन बना के आगे बढ़े, 10-20 एक घंटा बाद फिर भूख लग गई, फिर रुके। अब जैसे रुके बाबा, बाबा भोजन पावे को तैयार हुए तो घर की मैया बोली, ऐ बाबा आप तो बड़े पत्थर दिलो, अकेले ही अकेले भोजन पा रहे हो, संग में इतना छोटो सो लाला बैठो, छोटो सो बालक बैठो, या को नहीं खवा रहे तुम। अब माधवदास जी देखे कौन सो बालक बैठो है सो मेरो संग, इधर देखे उधर देखे कोई ना दिख रो। बोले मैया तू कौन की बात करी, बोले यही जो श्याम वरण को बालक बैठो तुम्हारे संग, याकु भी तो खवाओ बिचारो, ऐसे टुक टुक तुम्हारे मोड़े माऊ देख रहो। माधवदास बोले लो आ गयो संग संग, मैं तो सोचो बढ़िया छूट के आ गयो, पर ठाकुर जी माधवदास बाबा के हृदय में बैठ के आ गए, चित्त में बैठ के आ गए। तब माधवदास बाबा को समझ में आई, मैं जो कभी दो दो दिन तक निर्जला रहने वाला, मुझको हर घंटा में भूख लग रही, क्यों? क्योंकि वहां जगन्नाथ जी का भोग लगता है और यहाँ ये हमारे हृदय में, तो यहाँ इनको भूख लगती है तो हमको भूख लगती है, इसलिए बार 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 रुकना पड़ रहा है। अब क्या करें भैया, देखो भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जाके पीछे आमे नहीं है तो आमे ही नहीं है, कोई कितनो बुला तो रहे, और जाके पीछे एक बार पड़ गए वो कह रहे हो भाग यहाँ ते, मैं नहीं ले जा रहा, फिर भी वह पीछे पीछे आ गए, तो बड़े विचित्र ठाकुर। माधवदास जी बेचारे जैसे तैसे, अब वो ठाकुर जी को ना लाने का कारण यही था कि भैया दिन में 8 जगह रुकना पड़ेगा इनको भोग लगाने, अब क्या करें आ गए तो अब तो सेवा करनी पड़ेगी। रुकते रुकाते महीना महीना भर में पहुंचे वृंदावन, और महाराज कह रहे हैं यहाँ भी एक बड़ी सुंदर लीला घटी, वृंदावन आती भूख लग गई, अब क्या करें, यमुना जी के घाट पे बड़ी जोर की भूख लगी, कोई चना बेचने वाला चना बेच रहा, सुबावन पा लिए, पाके गए निधिवन जी में स्वामी श्री हरिदास जी के दर्शन करने। दर्शन करने जैसे गए बाबा, तो स्वामी श्री हरिदास जी कुटिया में से बाहर निकल के, भीड़ बैठी थी, भीड़ से बाबा बाहर सारी भीड़ को चीरते चीरते और बोले यहाँ माधवदास कौन है, कोई परिचय नहीं था बाबा का, पर बोले माधवदास कौन है। माधवदास बाबा आया हाथ जोड़ के, बोले बाबा हमें क्या गलती हो गई। बोले गलती बड़ी भयानक गलती करी तुमने। बोले क्या, हम ठाकुर जी को कब से बिहारी जी को भोग लगा रहे हैं, बिहारी जी भोग ही नहीं पा रहे, भोग ही नहीं पा रहे। हमने पूछा क्यों नहीं पा रहे, तो बोले माधवदास ने चना खवा के पेट भर दियो मेरो, अब इतनो पेट फूल भर गयो कि यहाँ भोग ही नहीं पा रहे। ऐसे निराले ठाकुर है, ऐसे विचित्र श्रीहरि है, इनकी लीला का, इनके भाव का, इनके प्रेम का कोई पार नहीं पा सके। सो भैया, या ब्रज में आकर के, या धरती पे आकर के, या तो अभी भी संसार की मुक्ति में, मोक्ष में ही अटके रहें,
या फिर इन सबसे ऊपर उठ करके भगवान से उनकी भक्ति मांगे, भगवान से उनका प्रेम मांगे। जो वो मांगेगा ना वही मौज में रहेगा या ब्रज भूमि पे, तो इस ब्रज की धरती पे वही मौज में रहेगा जो यहाँ आकर के भगवान के इस रस से रंजित प्रेम की मांग करे। अच्छा प्रभु ज्यादा नहीं, हमको मालूम है अभी हमारी वो स्थिति तो है नहीं, ये स्थिति उनकी होती है जिनके हृदय में मत्सरता नहीं होती, मात्सर्य भाव नहीं होता। अपने आप से पूछे हमारे हृदय में क्या भी मत्सरता नहीं, मात्सर्य भाव मतलब कोई आगे बढ़ रहा है उसको देख करके खुश हो जाए, ईर्ष्या ना हो, क्या है हमारे मन में ये भाव नहीं। हमको किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, हमको किसी का शुभ बर्दाश्त नहीं होता। क्या हम निंदा से मुक्त हैं? बोले नहीं, वो भी नहीं है। हमारे हृदय में खूब अभी निंदा, दूसरों के लिए दुर्भाव भरा हुआ है। ऐसे समय में ठाकुर जी हृदय में कैसे आएंगे? हम जानते कि ये बहुत मुश्किल काम है, ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हाँ इसका संभव होना तभी हो सकता है, ये संभव जब यहाँ आकर के इस ब्रज की भूमि में किसी रसिक महापुरुष के चरणों का आश्रय ले लो, तब आराम से संभव, आनुगत्य संभव है। ये ब्रज की धरती सहचरी भाव की धरती है, यहाँ आनुगत्य चलता है। यहाँ जब भी श्री राधा श्याम सुंदर की लीला में प्रवेश करना होता है ना, तो उस लीला में प्रवेश सीधा नहीं मिलता है। जैसे भगवान शंकर के पास जाना है तो किसकी आज्ञा लगती है, किसकी आज्ञा लगती है? श्री नंदी महाराज की। नंदी महाराज आज्ञा देते तब प्रवेश होता है। राम दरबार में जाना है तो श्री हनुमंत लाल जी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। भगवान नारायण के द्वार पे जाना तो जय विजय से आज्ञा लेनी पड़ेगी। और भगवान श्री कृष्ण के, श्री राधा रानी के उस लीला में प्रवेश करना है तो ठाकुर जी की जो सहचरियां हैं, सखियां हैं, मंजरियां हैं, उनकी आज्ञा लेनी पड़ेगी। और जो भगवान की सहचरी होती है ना, जो श्री जी की सखियां होती है, उनमें ही हर क्षण दोनों प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए, रस का विस्तार करने के लिए हर क्षण कुछ ना कुछ नए भाव आते हैं। सखियों से वो भाव, सखियों के मन में आज भाव आया, आहा मौसम बड़ा सुहावना है, आज क्या होना चाहिए? बोले आज तो प्रिया प्रीतम को हमको संग लेकर के नौका विहार करवा के आनी चाहिए। किसके मन में भाव आया? एक किसी मंजरी के मन, सखी के मन में। अब जैसे उस सखी के मन में ये भाव आएगा, उसके मन में भाव आते ही ये भाव किसके मन में आ जाएगा? श्री राधा रानी के, श्री जी के मन में भाव आ जाएगा कि आज सखियों से कहें कि चलो आज यमुना तट पे नौका विहार। और श्री जी के मन में भाव आया तो फिर किसके मन में आ जाएगा तीसरा? बोले तीसरा फिर लाल जी के मन में, ठाकुर जी के मन में भाव आ जाए। तो शुरुआत कहाँ से हुई? सखी से। सखी के भाव आते ही श्री जी के मन में आया, श्री जी का भाव आते लाल जी के आया। और जब सब मिलके उस यमुना तट पे नौका में विहार करने गए तो रस किसको मिला? रस को प्राप्त करने वाली भी फिर सखियां ही हैं। ठाकुर जी की सेवा सुख का जो रस है वो भी सखियों को प्राप्त होता है, वो भी उन सहचरियों को प्राप्त होता। तो ये भाव सखियों के हृदय में। और जैसा इस ब्रज भूमि में कल भी एक प्रसंग छिड़ा था, प्रेमी कौन? प्रेमी वही है जब कोई भी ऐसी चीज दिखे ना तो उसको तुरंत अपने ठाकुर जी का स्मरण आए। कोई बढ़िया रंग दिखे तो ठाकुर जी का स्मरण आए कि यार रंग के वस्त्रों हमारे ठाकुर जी पहनेंगे तो कितने प्यारे लगेंगे। फूल माला दिखे तो फूल दिख करके मन में आए कि या को हमारे ठाकुर जी धारण करेंगे तो कैसे लगेंगे। पहले भी कई बार हमने प्रसंग सुनाया, श्रीनाथ जी का ये प्रसंग है, श्रीनाथ जी के सखा का ही प्रसंग है। मथुरा में एक फूल देखा और फूल देख करके मन में आ गया कि ये माला तो हमारे श्रीनाथ जी धारण करें।
और इतने में एक विषयी राजा का मंत्री आया, उसने फूल देखा तो उसके मन में आया कि ये तो हमारी जो प्रेमी है, प्रियतमा है, उसको जाके गुलाब का फूल दे, वो खुश हो जाएगी। अब महात्मा जी ने उसको, राजा के मंत्री को समझाया कि भैया हम मन में सोच चुके हैं कि ये माला श्रीनाथ जी को चढ़ा, तो दूसरा फूल ले ले। बोले ना ना, मैं तो यही लूंगा। और दोनों आपस में अड़ गए कि ये तो हमारे ठाकुर जी लेंगे। वो बोला ये तो हम अपनी प्रियतमा को लेकर के जाएंगे। मंत्री गुस्सा में बोला तू जानता नहीं मैं किसका मंत्री हूँ, मेरी सरकार कौन है। तो महात्मा जी ने भी हंस के कहा तू भी जानता नहीं मेरी सरकार कौन है, तेरी सरकार तो टेम्परेरी है, बदलती रहती है, हमारी सरकार तो परमानेंट वाली है, ये कभी ना बदलती। सो महाराज प्रसंग आया कि दाम लगा। वो बोला 5 आने, बोला 10 आने दूंगा। वो बोला मैं 1 रुपया, वो बोला 5 रुपया, वो बोला 10 रुपया, बोला 100 रुपया, बोला 1000 रुपया, करते करते 5000 रुपया तक बात पहुंची। तो मंत्री तो अंत में छोड़ के चला गया, पर वो बाबा ने अपना सर्वस्व लुटा के माला ली, माला लेकर के पुष्पों की माला बनाई। और कहते मथुरा में बैठे बैठे बाबा ने ठाकुर जी को, श्रीनाथ जी को माला अर्पित करी। और भाव की बात है बस कि वहाँ मथुरा में बैठे बैठे माला अर्पित करी और यहाँ श्रीनाथ जी की आरती चल रही थी। श्रीनाथ जी की आरती करते करते सब भक्त वैष्णवों ने देखा कि श्रीनाथ जी ने वो माला पहनने के लिए अपना सर झुका लिया, मूर्ति ने सर झुका लिया कि जो हम पे सर्वस्व लुटाए हम भी तो लुटाएंगे। वो माला पहनने के लिए ठाकुर जी ने सर झुका। अब यहां बात बस इतनी है कि जब अपने ठाकुर जी से प्रेम करो ना तो उनके लिए सब लुटाने को तैयार हो जाओ। बाकी सब चीजों में तो हम नहीं देखते, अपने लिए तो हम खर्चा करने में नहीं सोचते। और जैसे ठाकुर जी की बारी आई तो हमें खर्चे की लिस्ट याद आ जाती है। और फिर क्या कहते हैं, सुनो तो बचाव का बहाना। क्या है बहाना? भगवान तो भाव के भूखे हैं, इस सब से थोड़ी होगा कुछ, भाव के भूखे हैं तो तुम भी भाव ही पा लिया करो। फिर अपने आप पे कितना खर्चा क्यों करते हो? अपना उत्सव होगा, शादी ब्याह होगा, लाखों लाखों करोड़ों रुपया खर्च करेंगे, और ठाकुर जी का उत्सव होगा तो उसमें फिर बड़ी कंजूसी। अरे अपने आराध्य, अपने ठाकुर जी, कहीं घर से बाहर जा रहे हो, घर में सबसे पूछते हो आप चलोगे, आप चलोगे, ठाकुर जी से पूछते हो आप चलोगे हमारे संग। अरे पूछो तो सही, संग चलने को तैयार हो जाएंगे। गुमक्कड़ ठाकुर हैं ये, एक जगह टिकने वाले नहीं। हाँ जो राम जी के उपासक है, राम जी तो कहेंगे भैया हम तो यही शांत बैठे, हमें कहीं ना जानो, हम तो यही है। पर यार टेढ़े ठाकुर की तो क्या बात करें, या कोई एक जगह मन ही ना लगे, जितनो घुमाओ उतनो ही कम है, तुरंत तैयार हो जाएंगे। तुम पहुंचो दरवाजे पे वात पहले तैयार पाएंगे तुम्हें बाहर। कोई वस्त्र पहनने, कभी ठाकुर जी से पूछ लिया करो आज आपको कौन सा मन है पहनने का, पूछो तो सही। एक दिन जवाब नहीं देंगे, 2 दिन नहीं देंगे, 10 दिन नहीं देंगे, कभी तो जवाब देंगे। आज क्या खाने का मन है आपका, वो पूछो। घर बना रहे हो, घर में सबसे पूछेंगे तुम्हारे घर का कमरा बताओ कौन से रंग का करें, तुम्हारा ये कैसा हो। ठाकुर जी से पूछा कि आप बताओ आप कौन से कमरा में रहोगे, आपके लिए कैसा हम व्यवस्था बनवाएं। ना हम पूछते ना वो जवाब देते हैं। पूछोगे जब तो जवाब दें, ऐसी थोड़ी वो फ्री में थोड़ी घूम रहे हैं कि बिना पूछे जवाब दे देंगे। पूछो तो सही, प्रश्न तो। और फिर अपने प्रभु के लिए सखी का भाव ही यही है। सखी के हृदय में रोज नित नित नूतन नूतन भाव आ जाते हैं, कभी कोई भाव आता है, कभी कोई भाव आता है।